गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। कल सारा सुबह से लेके सारा काम खत्म करके नहा के खाना वाना खा के रेस्ट लेके अब एकदम फ्रेश वाला फीलिंग आ रही है, तो सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ। तो कल वाले वीडियो में मैं कुछ वीडियोस ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका था, तो मैं ज़्यादा लंबा उसको नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा था उसके लिए एक अलग से व्लॉग बना दूंगी। तो चलिए, आज के व्लॉग में बेसिकली मैं यही थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे मेरे गोपू को क्या मिला था। और कुछ क्लिप थी जो मैं कल ऐड नहीं कर पाई, मैं वो ऐड कर दूंगी, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूंगी आज के व्लॉग में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, गोपू को क्या मिला था पहले वो देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले ये खाने की चीज़ें दिखा देती हूँ। ये गोपू की दो जूस की बॉटल फ्रूटी, उसके बाद ये एक चिप्स का पैकेट एंड ये चॉकलेट्स। ये तो सब हो गए उनकी ट्रीट्स, ठीक है। अब आते हैं उनके गिफ्ट्स पे। तो एक ये है ड्रेस और उनका श्रृंगार का सामान, और इसमें इसके साथ बांसुरी भी थी पर मैंने बांसुरी ना गलत मैंने रख दिया, अब मुझसे वो निकाला नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये एक सेट हो गया उनका ड्रेस, श्रृंगार का सामान और इसके साथ ही बांसुरी, ठीक है। ये हो गया उनका दूसरा ड्रेस, ये हो गया उनका तीसरा ड्रेस, ठीक है, और ये हो गया उनका चौथा ड्रेस। तो ये उनके चार ड्रेस मिले उनको, फोर ड्रेस, एक बांसुरी और इतने सारे उनके खाने की चीज़ें, और कुछ पैसे भी मिले थे वो मैंने रख दिया है, उन्हीं का ही सामान आ जाएगा उसमें से, जो भी उनको ज़रूरत होगी वो उनका सामान ले आएंगे। तो बस यही उनको गिफ्ट मिला था। और चलिए फटाफट से अब मैं आपको वो पनीर वाली रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने कैसी बनाई थी वेज भोग की पनीर, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं अभी आधा भोग बना के आ चुकी हूँ। मैंने अभी सिर्फ पनीर बनाया है और थोड़ा बहुत सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। अब मैं जा रही हूँ, जो गोपू के सारे फ्रेंड्स हैं उनको सबको ड्रेस देने जा रही हूँ। तो चलिए फिर आपको भी ले चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ सबके घर में कैसे क्या डेकोरेशन हुआ है। तो फटाफट से मिलते हैं, फिर देखती हूँ सबसे पहले किसके घर जाती हूँ, वो नीचे उतर के डिसाइड करूँगी। तो जहाँ भी जाऊँगी आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसके घर पर आई हूँ, इसका घर नीचे है ना, इसलिए मुझे इसके घर सबसे पहले आना पड़ा। और इसके गोपू के लिए मैंने आपको ड्रेस वगैरह तो सब दिखाई दिया था, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। गोपू अभी गर्मी बहुत पड़ी है ना, तो इसलिए एक जूस और ये ड्रेस इसके गोपू के लिए लाई हूँ। इनका अभी तक डेकोरेशन कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है बस, पर हो जाएगा, शाम तक सब हो जाएगा। फिर मैं जब शाम को आऊँगी ना तब दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी इसका सिर्फ चल ही रहा है और यहाँ पर पूजा कर रही हैं काकी, तो बस अभी इनका चल रहा है। तो शाम को आती हूँ फिर इनका दिखाती हूँ उनका कैसे क्या डेकोरेशन वगैरह सब हो रहा है। और ये अभी तुम्हारे गोपू के लिए, थैंक यू। और इसके बाद हम जाएंगे जुड़वा भाई के घर में, मैंने बताया था ना जहाँ जुड़वा गोपू है वहाँ जाएंगे। तो वहाँ जाके फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है, वहाँ जाके फिर मिलती हूँ। क्यों, जो मैंने आपको बोला था ना जुड़वा गोपू जिनके घर में है, अब मैं उनके घर में आई हूँ। तो ये अभी इसका भी कोई डेकोरेशन नहीं हुआ है, इसका भी सब प्रिपरेशन अभी चल ही रहा है। ये मटका फोड़ होगा, हांडी वांडी सब डेकोरेशन कर रही है। तो बस उसके लिए भी ये दो ड्रेस लाई थी और वही जैसे कि जूस लाई थी, तो इसको भी दे देती हूँ। अभी किसी का भी डेकोरेशन नहीं हुआ है, तो चलते हैं और भी दो गोपू बचे हैं उनके घर में, चलते हैं फिर दिखाते हैं उनकी क्या मतलब उनका क्या सिचुएशन है, क्या कहाँ तक पहुँची उनकी डेकोरेशन। ये लो तुम्हारे गोपू के लिए। हाँ जी, थैंक यू। दोनों जुड़वा है ना, इसलिए जुड़वा एक सेम कलर। थैंक यू। वो पिएंगी कैसे? ये रही, ये मटका फोड़ के लिए हांडी तैयार कर रही है अपना। नहीं, और एक है, वो देखिए, वो दिखा दिया मैंने। तो अब मिलते हैं दूसरे घर के गोपू के लिए। बस सबके घर से आके अब फाइनली यहाँ पे आई हूँ, और हालत तो दिख ही रहा है क्या हालत बन चुकी है। और इनका डेकोरेशन ऑलमोस्ट खत्म, इनका हो ही गया है ऑलमोस्ट, क्या सब हो गया है, बाकी सब जगह चल रही है। पर ये देखो कितने सुंदर लग रही है ये गोपू। चलो अब जो लाए गोपू को वो दे देते हैं फटाफट। गोपू मस्त बैठे हुए हैं अभी अपने सिंहासन में, यहाँ पे वाटरफॉल भी हो रहा है। तो बस सब
सब जगह होके आ गई, अब चलते हैं घर और फिर जो आधा अधूरा छोड़ के आई हूँ उसको पूरा कंप्लीट करती हूँ फिर। गुड इवनिंग। तो आई होप आपने मेरी जन्माष्टमी की सारी व्लॉग्स देख ली होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारी की सारी व्लॉग्स आप लोगों को कैसी लगी। और बस मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, इतना ही बताया था कि मतलब गोपू को क्या मिला और दही हांडी वगैरह वो मैं दिखा नहीं पाई थी नेक्स्ट लास्ट वाले वीडियो में, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। और जो छोटे मोटे क्लिप थे जो मैं नहीं ऐड कर पाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और बेसिकली दिखाने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही, यहीं तक एंड कर देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देख के आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग आपके गोपू को क्या क्या मिला, ठीक है, और आपके गोपू ने कितना इन्जॉय किया, सब बताइएगा। तो बस यहीं तक रखते हैं वीडियो को, बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में एक न्यू वीडियो के साथ। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय। और जो मेरे चैनल पे नया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिलनी चाहिए ना, तो इसीलिए फटाफट से जाके बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर वीक डे, बाय बाय।